अरे मेरी बहन को पटा के तू पछता रहा है ना? पछतावा तो बस इस बात का है कि मैंने एंगेजमेंट पार्टी में कुछ ज्यादा ही पी ली। जानता हूँ। दादी माँ का नुस्खा है, पूरा नशा उतर जाएगा। कितनी बास मार रहा है। अरे यार, अरे आराम से पी यार। वैसे यार तेरी दादी का नुस्खा इतना बुरा भी नहीं है। देख रोरी, मैं समंदर में जा रहा हूं। और हाँ सुन, मेरी बहन तेरा बीच पर इंतजार कर रही है। लगता है आज तुझे काफी काम है, मेरी कोई मदद चाहिए? क्या बात है, आज भीगने का मूड है क्या? कभी कभी ये मजे भी लेने चाहिए। हाय, तुमने कभी ऐसी चीज देखी है? Were you looking at my butt? No. No? Maybe. लगता है रात को उतरी नहीं। हाँ, सब तुम्हारे भाई की करतूत है। तुम जैसे भी हो मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तुम ऐसी जिंदगी छोड़कर जा पाओगे? जहां तुम वहां मैं। देखो, इस तरह की जिंदगी सिंगापुर में नहीं होगी। तो हम यहां लौट आएंगे।
पास है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। समुद्री तट के आसपास हम पैक वेल का दक्षिण की तरफ से सालाना माइग्रेशन होता है। समुद्री जीवन रक्षा संवाददाता जेफ ट्रिप के अनुसार साल में इस समय लोगों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि समुद्री तट पर बहुत ज्यादा तादाद में शार्क के बड़े समूह आते हैं जो समुद्री पानी में देखी जाती है। वो चारों तरफ वेल के छोटे बच्चों और मछली चारे का शिकार करने आते हैं। तो अगर आप समुद्री तटों की तरफ जाएं, तो प्लीज सिग्नलों को माने और फ्लैग्स के अंदर ही तैराकी करें। अगले महीने इस इलाके में ग्रेट व्हाइट शार्क्स के आने की उम्मीद है। और अब एक बात ही अच्छी खबर, आज यहाँ पूर्वी समुद्री तट पर बहुत ही सुहाना दिन है, लेकिन शायद सेलर्स और विंड सर्फर्स के लिए दिन सुहाना न रहे। लगता है आज दिन एकदम शांत रहेगा, यानी आज दिन में ज्यादा हवा नहीं रहेगी। पार्क में चलना चाहिए। आपका ऑर्डर मैम, और ये आपका, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाय हाय, जैसे आया क्या? अभी तक तो नहीं आया, बच गए तुम। किसी ने गुड मॉर्निंग बोलना नहीं सिखाया? लड़के ऐसे ही होते हैं।
यहाँ क्यों रोक दी डार्लिंग? क्या कर रहे हो कायल? कितने बदमाश हो तुम। चुप कर। क्या कर रही हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम्हें याद था? 7 months, baby. ज्यादा बजट नहीं था इसलिए इस बार हेडफोन से ही काम चला लो। थैंक यू। और हैप्पी एनिवर्सरी तुम्हें भी। ये चोरी कमा लेना। क्या यार, जाओ जाओ, इसे वापस रख कर रहा हूँ। फिर तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सब कुछ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, रख कर रहा हूँ, प्लीज। हम कबाब में हड्डी तो नहीं बन रहे ना? ओह, ये बहुत ही कूल जैकेट है। थैंक्स। क्या हम देख सकते हैं? ये इसके पैसे देने ही वाली थी। वैसे आप मेरे सैलरी से भी काट सकते हैं। सैलरी से? सपने देखना बंद करो बच्चे, तुम्हारी नौकरी गई और तुम चोरी करने के जुर्म में जेल में जाओगी। मैंने पुलिस को भी बुला लिया है। अजीब बात है ना, आज सुबह आसमान में इतने सारे। वापस कब आए? टीना, तुम यही ढूंढ रही थी ना? जॉश, ये। ओ जॉश, क्या हाल बना रखा है? जाओ पहले फ्रेश होकर आओ। अरे वो बाथरूम कस्टमर्स के लिए है। पुलिस, प्रॉब्लम क्या है? नई मुसीबत। तुम्हारे दिमाग में कुछ खुराफात चल रही है क्या? ऑफिस स्टोर के पीछे है, 10 मिनट में कैश पिकअप होने वाला है। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये काम हो जाने के बाद हमारे रास्ते अलग हैं। दोबारा जिंदगी में मेरे भाई से मिलने की कभी कोशिश मत करना। आई बात समझ में? सारी चीजें इसने चुराई हैं। इसने ये पर्स नहीं चुराया, ये इसी का है। मैं जानती थी आप मुझे अरेस्ट नहीं करेंगे। चुप हो जाओ, वरना तुम जानती हो मैं तुम्हें। क्या करेंगे, मुझे अरेस्ट करेंगे?
या फिर एक अच्छे बाप होने का फर्ज निभाएंगे। जैमी ज्यादा चालाक मत बनो। एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज निभाते निभाते आप भूल गए कि आपकी एक बेटी भी ठीक है। अब जो तुमने हरकत की उसका क्या? तुम्हारी हर गलती पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता। जेल की हवा खाओगी तब पता चलेगा। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। हो सकता है इससे तुम्हारी अक्ल ठिकाने आ जाए। बहुत हो गया। तुम्हारी इन हरकतों से तुम्हारी माँ पर क्या बीतती होगी? मुझे कुछ नहीं सुनना। पैसा निकालो। देखो अब तिजोरी में कोई पैसा नहीं है। पैसा निकालो। ठीक है मैं दिखाता हूं। देख लिया? कहाँ है पैसा? 3,000 रुपए मैम। मेरे डैड एकदम। तुम्हारे डैड को तुम्हारी फिक्र है। अब तुम शुरू मत करो। तुम्हारी वजह से आज मेरी जॉब गई। क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी वो जॉब तुम्हें पसंद नहीं थी। बेकार रहने से तो अच्छा ही था। ठीक है अगर मेरी वजह से ये जॉब गई है तो मैं ही तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस दिलाऊंगी। जैमी बस देखो। तुम देखते जाओ। ओए क्या बे गोचू आज स्कूल नहीं गया क्या? तुमने पीछे हटो।
ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत कर, पीछे रह, पीछे रह। टीना नहीं, उसे कुछ मत करना। आ जाओ बेटा, देखा किसी और को? मुझे मदद चाहिए, कोई है? मेरी मदद करो। ए, यहाँ पर टीना कहाँ है? कहाँ है टीना? इसे क्या हुआ? इसकी मदद करो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ था अभी? क्या हुआ था? पहले इन्हें पानी से बाहर निकालना होगा, इन्हें यहाँ शेल्फ पर चढ़ा दो। जाओ इनके पैर को लपेटने के लिए कुछ भी ले आओ, चावल टेप जो मिलता है लेके आ जाओ। ठीक है। मेरी बेटी जेमी, जेमी, यहां आ जाओ, अपना हाथ दो। तो गाड़ी में से कैसे निकली? मैं कार में ही बैठी थी, मैं कार में ही बैठी थी तभी रायन आया। और रायन, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, रायन अभी भी कार पार्क में है। भूल जाओ उसे, रायन अभी भी वही है। भूल जाओ, अगर यहां इतना पानी है तो वहां कितना होगा? आ, आ, आ,
टीना, टीना, सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें अपने डैड की मदद करनी होगी। इनका पैर यहां से कस के पकड़ के रखना। ऐसा कर पाओगी ना? घबराओ मत, टीना। टीना, टीना, तुम ठीक हो ना? मेरी तरफ देखो, तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ यहाँ पर? सब लोग कहाँ गए? चलो आ जाओ। आ जाओ, मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है, शांत हो जाओ। आवाज थी, तुमने नहीं सुनी? अपना मुंह बंद रखोगी तभी सुन पाऊंगा। मेरा मुंह बंद कराने की बजाय अगर तुम यहाँ से निकलने की सोचो तो अच्छा होगा। पीछे से आ रही है आवाज, पीछे से आ रही है। हाँ, तुम्हें पता चलेगा, जाकर देखो। शाबाश बोली, गुड बॉय। कोई है क्या यहाँ? कोई है? वहाँ कोई है? अब क्या करूँ?
कौन है? कौन है? हमें यहां से बाहर निकलना होगा, हमें मदद बुलानी होगी। ये क्या यार? पानी और बढ़ रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। लगता है पूरा शहर डूब चुका होगा। ऐसा नहीं होगा, कोई ना कोई हमारे लिए जरूर आएगा। मुझे यकीन है कि हम बच जाएंगे। वो तभी होगा जब यहाँ आने के लिए कोई बचा होगा। तू चुप कर, ये सब तेरी गलती है। इस बार नहीं बच्चे, आज कुदरत का कहर हम सब पे एक साथ गिरा है। तू फिलोसफी झाड़ना बंद कर बे। ये इस हालत में तैर नहीं पाएंगे। मैं यही रुकूंगा, तुम लोग बाहर निकलकर हमारे लिए मदद भेजो। क्या? नहीं जॉश, एक मिनट। कार पार्किंग में भी पानी भरा होगा। अब बचा है सिर्फ स्टोर रूम का पीछे वाला रास्ता और सामने का दरवाजा। जॉश, तुम यहाँ नहीं रुक सकते, समझे? ये तुम भी जानते हो और मैं भी कि यहाँ पर और झटके अभी आएंगे। और तुम जानता हूँ पानी बढ़ता जाएगा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। मैं और स्टीवन सामने का दरवाजा चेक करते हैं। मैं पीछे का रास्ता देखता हूं। तू भरोसे के लायक नहीं है बॉब। तुम जाओगे। ठीक है। अरे क्या यार, तुमने अपना फोन तक चार्ज नहीं किया। अगर सब कुछ मुझे ही करना पड़े तो तुम किस काम आओगे कायल? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, नौकर नहीं। अगर ऐसा है तो अपने ही फोन से फोन कर लो ना झिंगूर। हाँ, खुद का तो चार्ज किया नहीं, मुझे कह रहा था। तुमने कुछ नहीं कहा बाबू, तुम ऐसे क्यों गुर्रा रहे हो? खबरदार उसे कुछ कहा तो। तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो बच्चा। अब ये क्या था? मुझे क्या पता।
वो क्या है? कहाँ चला गया? सबको पानी से बाहर निकलने को कहो। क्या? सबको पानी से बाहर आने को कहो। क्यों क्यों क्या हुआ? टीना, जल्दी पानी से बाहर आओ। वहां से बाहर नहीं जा सकते, रास्ता बंद है। जल्दी से ऊपर आओ। जल्दी तैरो। क्या हो रहा है? टीना, स्टीवन, पानी से बाहर निकलो। कॉलिंस, टीना, आ जाओ। ये कहां गया? कहां गया वो? कहां चला गया वहां? क्या हो रहा है यहां? पानी में क्या है? वहां देखो। पांच फीट। पांच फीट से तुम्हारा क्या मतलब? छे। पांच छे, ये सब तुम लोग क्या बोल रहे हो? छे फीट उसके पीठ के सिरे से लेकर पूंछ की नोक तक, मतलब यहाँ 12 फुट की खूंखार व्हाइट शार्क है। जरा शांत बैठोगी तुम? हमें इस कार से बाहर निकलना होगा, अब मैं और यहाँ नहीं बैठ सकती। अपना सैंडल दो। क्या कहा? मुझे ये विंडशील्ड तोड़ने के लिए कुछ नुकीला चाहिए। अपना सैंडल दो। दिमाग तो ठीक है, ये मेरे 15,000 के ओरिजिनल गुची सैंडल्स हैं। जो भी है, मुझे अपना सैंडल दो यार। नहीं, हर बात पे जिद क्यों करती हो? अपने सैंडल्स नहीं दूंगी। ये ओरिजिनल गुची नहीं है। याद दिला दो कि पिछले साल तुम ही ने मुझे दिए थे और कहा था कि 15,000 के गुची। मुझे याद है, मैंने ही दिए हैं, पर ये असली नहीं है। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? नहीं बताता तो पता थोड़ी चलता। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? चिल्लाना बंद करो और अपना सैंडल दो। क्या कर रही हो? Thank you.
गोचू तू है क्या? अरे तू है, कभी सोचा नहीं था तुझे देखकर इतनी खुशी होगी। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, यहाँ कोई और भी है? तुमने रैंप पर देखा क्या? नहीं। ये क्या है? काल, काल! क्या हुआ? गाड़ी में बैग जा जल्दी। ओ बाप रे, घबराओ मत, वो चली गई। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम पुलिस वाले हो ना? चुप क्यों बैठे हो, कुछ तो बोलो। तुम्हारे पास कोई आइडिया है? ओ, तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? हाँ हंसी आ रही है। अच्छा तो प्लीज सबको बताओ, इस वक्त हम भी तुम्हारे साथ हंसना चाहेंगे। सोच के देखो ना, तुम यहाँ पूरा हफ्ता जी तोड़ मेहनत करते हो, है ना? मतलब आज नहीं तो कल तुम्हारी मौत इसी जगह पर तय है। तुम एक कमीने इंसान हो। तुम जानते हो जिस औरत को तुमने मारा, उसका नाम था जूली, वो मेरी दोस्त थी। मैंने किसी को नहीं मारा। उससे फर्क नहीं पड़ता, ना तुम चोरी करने आते ना वो मारी जाती। अगर हम यहां से जिंदा बचे तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ हो गया। वो वापस आ रही है। वो इस तरह हमारे इर्द गिर्द क्यों घूम रही है? क्योंकि उसे पता नहीं है कि हम क्या हैं। वो जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है? शार्क सिर्फ एक ही चीज जानना चाहती है कि हम लोग खाने के लायक है या नहीं। ये क्या हो रहा है? सब अपनी जगह पर रहो। संभल कर दोस्तों। एक और प्रॉब्लम आ गई है। ये हंसने का वक्त नहीं है। ये जानता है कि बिजली का तार अगर पानी को छू गया तो हम सबकी तंदूरी बन जाएगी। जैसब, मेन स्विच कहाँ है? स्टोरेज रूम में। सारी पावर का मेन स्विच स्टोरेज रूम में है। मैं जाऊंगा। क्या? सब लोग शेल्फ के कोने तक जाओ और जितना हो सके शोर मचाओ। मैं तैर के जाऊंगा। जॉश नहीं, तुम नहीं जा सकते। तुम्हारा हाथ तो देखो, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। शार्क सीधा तुम्हारे पीछे आएगी। हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हें कहीं दिखी? हाँ दिखी, पर मैं उसे सीक्रेट रखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें सरप्राइज तो देना है। ओ, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। वैसे मेरे लिए इससे बड़ा सरप्राइज और क्या हो सकता है कि मेरे बॉयफ्रेंड तुम हो। बस बहुत हो गया, एक दिन में एक सरप्राइज ठीक है, उससे ज्यादा सरप्राइज मैं नहीं झेल सकती। तुम पीछे बैठो बुली, मुझे घबराहट हो रही है। उसे जाके बोलो कि यहाँ से चली जाए। तेरी बचाओ, गाड़ी में बैठ जाओ, गाड़ी में बैठ जाओ। मदद करो, हमें यहाँ से बाहर निकालो। हाँ। कुछ करो जल्दी। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। तुम लोग तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्या हमारी जान में बनी हो? चुपचाप समझने की कोशिश करो, गाड़ी में चुपचाप। ज्यादा शोर शराबा मत करो, मैं शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचता हूँ। क्या 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 कहा?
जब शार्क मेरी तरफ आ जाए तो तुम दोनों तैर कर मेरे उस वैन पर चढ़ जाना। ये पागल हो गया। जान मेरी बात सुनो, बिल्कुल शोर मत मचाना, शांति से बैठे रहो बिना आवाज के, ठीक है? तुम्हें लगता है इससे काम बनेगा? जरूर बनेगा। वैसे मैं तो कभी केला छिलके के साथ नहीं खाता हूं, हाँ, पर शार्क का पता नहीं। ये लो। देखो, तुम मुझे जानते नहीं हो। जब पहली बार टीना सिंगापुर आई थी, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनना होगा। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन उसने तुम्हें याद न किया हो। उसके भाई के साथ जो हादसा हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ऐसा उसका मानना है। स्टीवन, थोड़ा पानी पी लो। लो। तुम्हें वापस आना है मेरे लिए, बस आ जाना। राजी, तो फिर चलो।
मुझे नहीं लगता वो पहुंच पाएगा। जॉश, सुनो, तुम ठीक तो हो ना? देखो, कुछ भी हो जाए हमें साथ रहना होगा, ठीक है? मैं जानती हूं, पर ये सब कब खत्म होगा? सब क्यों हो रहा है? क्यों? दो साल पहले जब मेरी मां अपनी आखिरी सांस ले रही थी, वो बहुत ही बीमार थी। मैंने बहुत कोशिश की। उनकी मौत से कुछ महीने पहले ही मैं घर छोड़कर चली गई। मरता हुआ वहां छोड़कर चली गई थी। इसलिए मुझे ये सजा मिल रही है। हम अपनी मौत से भाग नहीं सकते। मुझे तो मैं खोल के देती हूं। इसे प्यार से ऐसे खोलते हैं, बस प्लास्टिक के दोनों टुकड़ों को अलग कर दो इस तरह और खुल गया। थैंक्स। वो लड़की जो मारी गई, क्या वो तुम्हारी दोस्त थी? चूनी? नहीं, वो मेरी दोस्त नहीं थी। मतलब हम साथ काम तो करते थे, मगर प्लान मेरे अकेले के आने का था। बिना किसी के पैसे उठाओ और निकलो। लेकिन वो कहते हैं ना, जैसा काम करोगे पैसा भरोगे। हम यहां से बाहर नहीं निकल पाएंगे, है ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, हम यहां से जरूर निकलेंगे। अच्छा है। आ,
वो आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। निकलो वहां से, जल्दी करो, जल्दी करो, ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। सॉरी बोले, पीछे रहो। तुम्हें इसे ऊपर से डालना चाहिए, ऐसे फेंकने से कुछ नहीं होगा। मजबूत तो है लेकिन ज्यादा वजन नहीं ले सकती। भाड़ में जाए, मैं सबसे पहले जाऊंगा। अगर तुम बाहर निकल सके तो हमारे लिए मदद जरूर भेजना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। रेडी? हाँ चीचो। से बात नहीं करोगे क्या? नहीं। देखो जान, तुम मनाने की कोशिश भी मत करना, हत्यारे हो तुम। मैं हत्यारा नहीं हूँ। तुम हत्यारे हो, तुमने एक डॉगी का खून किया, बेचारा वुफ तक नहीं कर पाया, कितने जालिम हो। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। बकवास है ये, तुम उसे बचा सकते थे। हत्यारा, जो समझना समझो। पाइप मेरे वजन से टूट तो नहीं जाएगी ना? मुझे इस पाइप के जरिए उस दरवाजे तक पहुंचना है। पहुंच तो जाऊंगा ना? पता नहीं, कोशिश करके देखो। ठीक तो? हाँ। शार्क दिखाई दे रही है? मैं कैसे देखूंगा, टॉर्च तुम्हारे हाथ में है।
सब तेरी। तुम ठीक हो? कर पाओगे ये? हाँ। आराम से संभल के। वो पहुंच तो जाएगा ना? मुंह बंद रखो। संभल के। आराम से, तुम बस पहुंच ही गए हो, आराम से आओ। ओह नहीं, संभल के, पैर ऊपर ले। हम यहाँ हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं रहेंगे कि वो यहाँ आए और हमें एक एक करके खा जाए। तो तुम क्या करना चाहते हो? मेरी मौत कब होगी ये तय करने का हक उस मछली को नहीं है। तो क्या करने का सोच रहे हो? उसे पकड़ने का? क्यों नहीं? अगर पकड़ भी लिया तो क्या करोगे? क्या उसकी फिश करी बनाकर चावल के साथ मजे से खाओगे? उसे शेल से बांध कर हम सब दरवाजे की तरफ तैर कर निकल जाएंगे और उसके लिए मुझे चाहिए एक थूक। तुम सबको नहीं बचा सकते दोस्त, अब तक तो ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस गई होगी। अगर हम शाक का ध्यान हटाएं तो मैं वहां जाकर हुक ला सकता हूं। मैं जाऊंगा। क्या डैड? नहीं नहीं, आपके पैर में चोट लगी। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। डैड आप नहीं जा सकते। मेरी बेटी का ख्याल रखना, चाहे कुछ भी हो जाए उसे यहां से निकालना। आ जाओ। शाबाश।
तो बात क्या है? जान पहचान है या बढ़ाना चाहते हो? जानता था। जानते थे हा? तुम्हारी आंखों में साफ नजर आ रहा है कि तुम्हारे दिल में अब भी उसके लिए प्यार है। वो बहुत पुरानी बात है। यकीन मानो, जिंदगी का हर पल हमारे लिए एक याद बन के रह जाती है। ये अभी तुम्हारे पास है? हमें उस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जरूरी है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैं वॉय लगाने का काम मेरा था, पर उस दिन मेरी जगह रोरी चला गया, जबकि मुझे वहां होना चाहिए था। जॉश, सब मेरी गलती है। और इससे पहले मैं जान पाता कि क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया, जिसके लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। मुझे बस इतना कहना है कि I'm sorry. देखो जॉश, तुम्हें मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं हमेशा से तुम्हारी ही थी। एक रस्सी को कस के बांध देना। हाँ, क्यों नहीं? अगर मुझसे पूछो तो बात साफ है, जब तक उसे ताजा माल मिल रहा है तो फिर वो बासी खाना क्यों खाएगा? अच्छा, मजाक कर लेते हो। तुम्हें क्या मैं जोकर लग रहा हूँ? बैठ जाओ। कोई भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। ये आखिरी गोली मैंने तेरे लिए रखी थी। कमीने कहीं के, तुम तो उस नकाब में लाश किसकी थी? वो मैं नहीं था। क्यों ना शार्क का शिकार किया जाए? बहुत ही बढ़िया आइडिया सोचा था तुमने, पर शार्क को थोड़ा और मजेदार खाना चाहिए। और इससे मजेदार क्या हो सकता है? क्या कहते हो डॉयल? कर भी मेरी बात सुनो, छोड़ दो इस लड़की को। चुप कर, गलती कर रहे हो तो इसे छोड़ दो। बकवास बनकर मुझे बेवकूफ समझाया क्या? मैंने किसी की जान ली है। मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं छोड़ेगा। बस मुझे यहाँ से निकलना है, पर इससे पहले मुझे शार्क को पकड़ना है। अब चाहे जो भी होगा देखा जाएगा। मर! इसे अगर किसी ने बचाने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आजा।
मदद करना चाहते थे ना, तो खुद क्यों नहीं चारा बन जाते? क्या कहते हो? तुम तो नहीं, पर तुम्हारी बॉडी काम आ गई। बन गया तो फिर निकला जाए यहां से। मुझे नहीं लगता कोई हमें बचाने के लिए आ रहा होगा। तुम्हें लगता है किसी को पता होगा कि हम यहां फंसे हैं? पता नहीं, ये भी तो हो सकता है कि शायद कोई कोशिश कर रहा हो पर वो भी मुसीबत में हो। गया ना, अब सब ठीक हो जाएगा। ओ, मेरा बच्चा, मेरा गुड बॉय। जरा उठो। सब ठीक है बेटा, आ जाओ। ये तुम क्या कर रहे हो? शायद कोई हमारी मदद के लिए आ जाए। ये आवाज कैसी है? ये रायन है, ये जरूर रायन ही है। मैं जाकर उसे ले आती हूँ। उसके पीछे जाओ। जॉश, जीने का मकसद मिल गया। वो नीचे का अपार्ट में है। ठीक है, यही रुको। देखा क्या?
ठीक है, मेरी मदद करो। हमें यह दरवाजा बंद करना है ताकि जब हम नीचे का गेट खोलें तो कार पार्क में यहां का पानी नहीं जाएगा। रास्ता नहीं है। सबसे गांव पानी से बाहर आ जाए। पानी से बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर ले जाओ। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो? मैं बिजली की करंट से उस गाड़ी को उड़ा दूंगा।
जॉश, क्या करेंगे हम? नई जिंदगी की शुरुआत। Way